Assalamualaikum and welcome back guys. आज की वीडियो में हम बना रहे हैं शाही चने, तो चलिए शुरू करते हैं। The ingredients that we need are 250 grams of boiled chickpeas, 1 whole 1/4 grams of shredded chicken, 2 tablespoons of ginger garlic paste, 2 serving spoons of yogurt, and then we need 2 tablespoons of powdered dried coriander and cumin seeds, and then we have here 1 teaspoon of black pepper, and then we've got here 2 teaspoons of chili flakes, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of turmeric powder, and then we've got here 3 green chilies and a piece of ginger. This is for garnishing. And then we have 3 eggs, and then 2 tomatoes, and then 1 cup of chicken broth, yakhni. So guys, these are all the ingredients that we would need, so let's just hop right in. So guys, सबसे पहले हम एक कप तेल ले लेंगे और उसको हम कढ़ाई में डालेंगे गर्म होने के लिए। अब तेल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि शाही चनों में बहुत सारा तेल होता है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मेरी तरह कम तेल भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पेस्ट के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। उनको मिक्स करने के बाद हम उसमें सारी स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। उसके बाद हम उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा एक स्प्लैश देंगे पानी का। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें दही डालेंगे और दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए और सारे टमाटर मेल्ट हो जाएं। टमाटर के मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें चने डाल देंगे और चनों को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चने अच्छी तरह से कोट हो जाएं सारे मसाले के साथ। फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक ताकि ये पक जाए। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें अपना शेडेड चिकन डाल देंगे और उसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से कोट हो जाए सारे मसाले के साथ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना खुश धनिया पिसा हुआ और जीरा पिसा हुआ डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी यखनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यखनी सारी नहीं डालेंगे, हम यखनी का 2/3 डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक। अब हम अपने अंडों को विस्क कर लेंगे और जब हम इनको विस्क कर रहे हैं साथ ही हम इसमें
जो हमारी बची हुई यखनी थी वो ऐड कर देंगे और उसको भी विस्क कर लेंगे इसके साथ ही। अब हम एक फ्राइंग पैन में तेल डालेंगे और उसको हीट अप कर लेंगे। ऑयल की हीट अप जाने के बाद हम इसमें अपने एग्स डालेंगे और उनको स्क्रैम्बल कर लेंगे। अब उनको हम पूरा कुक नहीं करेंगे, हम अपने एग्स को हाफ कुक करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी हमारे चनों के साथ भी कुक होना है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे और काली मिर्च डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक। शाही चने तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट कर हम इन्हें गार्निश कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घर से बाहर ना जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।